यूक्रेन पर और तेज होगी रूसी एयर स्ट्राइक, ये जानकारी आ रही है। देखिए 500 दिन के बाद ये खबरें हम आपको बता रहे हैं। रूस की आर्मी को मिले नए लड़ाकू विमान, सुखोई 30 SM-2 से यूक्रेनी फोर्स पर हमले को तैयार है ये रूसी सेना। चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल विमान है सुखोई 30 SM-2 और अब इससे यहां पर हमला किया जाएगा यूक्रेन की सेना पर। और बड़ी खबर वैगनर चीफ से जुड़ी हुई है, प्रिगोजिन को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। जी हां, वैगनर चीफ प्रिगोजिन कहां है, ये सस्पेंस बढ़ गया है। अब तक बेलारूस नहीं पहुंचे प्रिगोजिन, ये कहा है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने। रूस में प्रिगोजिन की मौजूदगी की आशंका, हम प्रिगोजिन का पीछा नहीं कर रहे, ये क्रेमलिन ने कहा है। प्रिगोजिन गए बेलारूस, बेलारूस पहुंचे नहीं। बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, हो सकता है रूस में हो। क्रेमलिन कह रहा है कि हम उनका पीछा नहीं कर रहे। तो प्रिगोजिन को आसमान खा गया या धरती निकल गई, आखिर प्रिगोजिन है कहां और वो इस तरह से उनका सीक्रेट छुप जाना सीक्रेटली, इसका मकसद क्या है? आइए जरा बिग बॉल पर बात करते हैं। अब तक बेलारूस नहीं पहुंचे प्रिगोजिन, तो बेलारूस नहीं पहुंचे, रूस में नहीं है, तो आखिर प्रिगोजिन है कहां? उनकी वैगनर आर्मी आखिर इस वक्त छुट्टियां मना रही है, कर क्या रही है? आइए जरा देखिए लुकाशेंको क्या कह रहे हैं, बेलारूस नहीं पहुंचे प्रिगोजिन। क्रेमलिन क्या कह रहा है, हमें मालूम नहीं कि प्रिगोजिन कहां है। आखिर प्रिगोजिन जब बगावत की उन्होंने और उसके बाद रोस्तोव शहर पर जो पूरा 36-40 घंटे का जो एपिसोड सामने आया, उसके बाद कहा गया कि वो अपनी आर्मी के साथ बेलारूस जा रहे हैं, लेकिन बेलारूस पहुंचे नहीं। अब लुकाशेंको कह रहे हैं कि रूस में ही हो सकते हैं प्रिगोजिन। क्रेमलिन कह रहा है कि हम प्रिगोजिन का पीछा नहीं कर रहे हैं। तो फिर प्रिगोजिन की लोकेशन क्या है? बेलारूस में वैगनर फाइटर्स भी अब तक मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद नहीं है तो कहां है? 27 जून को प्रिगोजिन का विमान बेलारूस पहुंचा था, 27 जून को, लेकिन उसके बाद एक दिन बाद ही प्रिगोजिन का विमान वापस लौट गया। सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के होने की आशंका है। सेंट पीटर्सबर्ग जहां पर प्रिगोजिन का वो ऑफिस भी है, जहां आपने देखा था कैफे में ब्लास्ट हुआ था, वो बताया जा रहा था प्रिगोजिन का ऑफिस। तो ये बड़ी खबर है कि प्रिगोजिन आखिर है कहां। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, वैगनर्स के मूवमेंट पर बड़ा दावा किया गया है, अगले महीने बेलारूस पहुंचेंगे वैगनर्स, ये कहा गया है। तो अभी कहां है वैगनर्स? सवाल तो यह है, प्रिगोजिन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं लड़ाके, फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं वैगनर्स, वॉर के बीच छुट्टी पर चले गए हैं वैगनर्स। ब्रिटिश अखबार का वैगनर कमांडर के हवाले से यह दावा है। प्रोफेसर राजन कुमार, क्या आपको ब्रिटिश अखबार के इस दावे में दम दिखता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि क्रेमलिन को या लुकाशेंको को मालूम ना हो कि प्रिगोजिन है कहां? आखिर यह रहस्य क्यों गहराता जा रहा है? देखिए गौरव, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए पहले तो, और ये बता दूं कि प्रिगोजिन बहुत ही पावरफुल आदमी है वहां पे, और आप जानते हैं उसके विमान है, उसका बहुत बड़ा मल्टी बिलियन एम्पायर है वहां पे। और मेरी जो वहां पे रूस के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उसमें वो पहले भी बोल रहे थे कि पुतिन प्रिगोजिन को आने से नहीं रोक पाएंगे। अगर प्रिगोजिन आना चाहे रूस में तो उसको रोकना पुतिन के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका अपना अंदर में सपोर्ट है, सारे सिस्टम है, उनका सिक्योरिटी है। लेकिन अभी कहाँ है यह कहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ, कहीं भी हो सकते हैं। यह जरूर है कि बेलारूस नहीं जाने के कारण का कारण एक यह है कि जो लुकाशेंको का जो रेजिम है वो एक तरह से रूस का पपेट रेजिम है। अब जानते हैं लुकाशेंको में जब लुकाशेंको के विरोध में जब विद्रोह हो रहे थे बेलारूस में, तो उसको किसी ने दबाया था, तो वो था रूस का सपोर्ट के कारण से वो बच गए, नहीं तो वहां पे विद्रोह के पहले, मैं युद्ध के पहले की बात कर रहा हूं। तो वैसे में प्रिगोजिन को लग रहा होगा कि अगर वो बेलारूस में जाएंगे तो हो सकता है कि रूस का वहां पे चूंकि कंट्रोल है, तो उसके माध्यम से उस पर दबाव बना सकते हैं, उसको पकड़ भी सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि वो डर के कहीं दूसरी जगह पे चले गए हों, रूस में है या यूक्रेन में है या कहीं पे छुट्टी मना रहे हैं, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। और रूस बहुत ही एक सीक्रेटिव सोसाइटी है, वहां पे इस ढंग का ओपन कल्चर नहीं है कि आप मूवमेंट और सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं, और खासकर ऐसे लोगों का जो कि इतना पावरफुल है और जिसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन में भी हो सकते हैं कहीं छुपे हुए, या रूस में भी हो सकते हैं, या कौन जानता है कि उनका जो निगोसिएशन रूस और बेलारूस का होता है काफी सीक्रेटिव होता है, तो क्या अंदर अंदर क्या डील चल रहा है यह भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ डील भी हुआ हो बेलारूस और सकता है पुतिन की किसी जेल में पड़े हो प्रिगोजिन, किसी को ना मालूम हो, उसकी संभावना अभी कम है, उसकी संभावना अभी कम है, क्योंकि प्रिगोजिन का जो सपोर्ट है रूस में, वैसे उसको जेल में ओपनली तो नहीं रख सकते हैं, और जेल में अगर रखेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, सीक्रेट लोकेशन में उसको कहीं पे ले जाकर रखें, ये बात ठीक है। आप लोग रहिए मेरे साथ, कुछ और बड़ी खबरें दिखाता हूं।